हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। जैसे कि आप लोगों ने टाइटल पढ़ लिया होगा, ये एक्चुअली कोई गेम प्ले नहीं है, बस थोड़े टिप्स हैं जिससे है कि आपका गेम प्ले इम्प्रूव होगा। इसमें क्या है, आपको रिएक्शन टाइम कैसा आपका इम्प्रूव करना है, रिफ्लेक्सेस कैसे इम्प्रूव करना है, उसकी ट्रेनिंग है, थोड़ा इन्फॉर्मेशन है उसके रिगार्डिंग ही। अभी आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लो अपना ओन सेटअप करना है एंड क्रॉच एंड पिक के बटन्स को ऐसी जगह रखना है जो आपको ईजी एक्सेस एंड फास्ट एक्सेस कर पाएंगे। नोटिस कीजिए, यूट्यूब पे देखिए क्लॉ का सेटअप एंड क्रॉच एंड पिक के बटन्स को खासतौर पे ऐसी जगह रखिए जो आप कंफर्टेबल हो एक्सेस करने के लिए, टैप करने के लिए, चाहे वो 3 फिंगर हो या 4 फिंगर हो। अब इसमें आपको क्या करना है, या और मेन इंपॉर्टेंट याद रखिए कि आपको हमेशा क्रॉच करके पिक करना है जिससे कि आपके ज़्यादा एनिमी को आपको नॉक करने का मौका ना मिले। और जैसे कि सामने ट्रेनिंग बटन में आपको दिखा पा रहा हूँ, क्रॉच करके पूरे टारगेट्स को हिट करने की कोशिश कीजिए विद इन 1 स्प्रे के अंदर। टैप टैप करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा बहुत स्प्रे दीजिए, इससे क्या रहता है आपका रिकॉइल कंट्रोल भी आपको करने में आसानी होगी, ट्रेनिंग भी होगी रिकॉइल की भी। अगर नहीं हो पा रहा है तो सेंसिटिविटी में जाके आप थोड़ा सेंसिटिविटी को आपको चेंज कर सकते हैं। कैमरा एंड ADS में जाकर रेड डॉट का सेंसिटिविटी चेंज कीजिए। आपको राइट पिक से लेफ्ट पिक से विद इन 1 स्प्रे आपको ये नॉक करना, पूरे वोट्स को डाउन करना पड़ेगा टारगेट को। सामने से कीजिए, थोड़ा डिस्टेंस रख के कीजिए, ट्रेनिंग कीजिए पड़ेगा, आपको डेली करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आज 1 घंटा की है, 2 घंटे की, डेली आपको हाफ एन आवर का ट्रेनिंग करना पड़ेगा। तो उससे क्या आपका मसल मेमोरी भी जो आपका रहता है रिफ्लेक्सेस का, वो भी इंप्रूव होगा। तो ऑटोमेटिकली क्लोज इन कॉन्टैक्ट पे आप ऑटोमेटिकली आपको क्लोज इन कॉन्टैक्ट स्कोप इन ऑटोमेटिकली हो जाएगा, जिससे आपको आगे क्लोज इन कॉन्टैक्ट में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। अभी हम नेक्स्ट ट्राई करने वाले हैं क्राउच एंड शूट। ये आपको क्या है, स्कोपिंग तो नहीं कर सकते अगर एनिमी आपके बहुत क्लोज है, तो उसी के लिए क्या आपको क्राउच एंड शूट एट द सेम टाइम करेंगे तो आपको क्या है 70% आपका हेल्थ रहेगा, एनिमी आपको इजीली नॉक नहीं कर पाएगा आप, मगर आप एनिमी को इजीली नॉक कर पाओगे। उससे क्या रहता है, अगर आपको एक बंदा नॉक भी हो चुका है तो आप 1v सोलो वर्सेस स्क्वाड कर सकते हो, सोलो वर्सेस डुओ आराम से क्लच कर सकते हो। बट याद रखना चाहिए कि आपको फ्री फायर इंपॉर्टेंट है, इसमें साउंड इंपॉर्टेंट है, बंदा कहाँ से कूद रहा है, कहाँ से जंप किया, ऊपर से जंप किया, पूरा साउंड रिएक्शन करके क्रॉच करके शूट करना पड़ेगा। इसके लिए भी आपको बहुत सारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आके TDM खेलना पड़ेगा, क्लासिक मैचेस, आर्केड, पूरों में ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगा, बट आपको क्लॉक को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आपको। आप ट्राई करिए शूट करके, जंप करके शूट करने के लिए, ये आपको अभी के लिए तो मदद नहीं करेगा, बट थोड़ी सिचुएशन आ जाएंगे मैच के विथिन जिसमें आपको शूट करके, जंप करके शूट करने पर आपको एडवांटेज होगा। बट मेनली आपको पिक करके शूट करने का ज़्यादा एडवांटेज है, तो ज़्यादातर पिक करके शूट करने पे दीजिए। बट ये भी रेडी रखिए कि जंप करके शूट करना भी आपको आना चाहिए, क्यों बोले तो बंदे आजकल बाउंड्री पे TP भी ले रहे, तो आप जंप करके शूट कर सकते हो लोग को, पिक करके नहीं मार सकते हो लोग को, क्योंकि उनके सामने बाउंड्री रहकर TP भी ले रहे हैं, तो आप जंप करके आराम से उन लोग को नॉक कर सकते हैं। इसके बाद जो आपको लास्ट में आता है वो आपको प्रोन एंड शूट है। ये आपको तब मदद मिलेगा जब आप बंदे आपके 2 नॉक कर दिए, आपने 1 बंदा और, अगर आपके पास हेल्थ नहीं है तो आप प्रोन करके शूट करेंगे तो आपका बंदा नॉक नहीं कर पाएगा और आप इजीली उसको टेक डाउन कर सकते हो। तो याद रखिए जो लास्ट बंदा रहता है उसी के लिए आप प्रोन एंड शूट कर सकते हो, अगर आपका हेल्थ बहुत लो है। अगर आप शुरू में ही प्रोन एंड शूट करोगे तो 1 बंदा तो नॉक हो जाएगा, बट 2nd बंदा जो आपके पीछे रहेगा वो आपको ईजिली नॉक कर पाएगा। तो फिर ट्राई करने के बाद आपको ये स्कोप इन पे भी ट्राई करना पड़ेगा, आपको हर स्कोप के साथ ये ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि गेम के बीच आपको कौन सा स्कोप मिलता है कंपलसरी, यही स्कोप मिलना ज़रूरी नहीं है, तो आपको हर स्कोप के साथ ही ट्राई करना पड़ेगा पीक इन। तो इससे क्या रहता है, आपका रिकॉइल कंट्रोल भी आपको ईजी करने आएगा, आपका रिएक्शन टाइम भी फास्ट हो जाएगा, तो आपको ये एनिमीज को नॉक करने में ज़्यादा हेल्प करेगा। तो उसी के लिए आपको बहुत सारा ट्रेनिंग का टाइम देना पड़ेगा। डिस्टेंस लीजिए, खरी क्लोज इन में दिख करके देखीजिए, थोड़ा 100 मीटर्स दूर पे जाके देखीजिए फाइट करने के लिए, पिक करके मारीजिए, मेन है क्रॉच करके पिक करना, जिससे आपका रिकॉयल बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, आपको ज़्यादा रिकॉयल नहीं मिलेगा, आराम से आप बंदों को नॉक कर पाओगे। तो फर्स्ट ये बोर्ड्स पर ट्राई कीजिए। आपको ट्रेनिंग करना पड़ेगा डेली, यानी इसके बाद आपको TDM में भी आपको ट्रेनिंग करना पड़ेगा, तो उसी में आपका क्लॉ जल्दी परफेक्ट होगा। इन क्रॉच एंड पीक का आपको जो सेटिंग्स हुए आपने जो किए एक क्लॉ के, वो इम्प्लीमेंट करने में भी आपको आसानी होगी क्लासिक मैचेस में। तो आपको इसको ढेर सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका गेम प्ले इम्प्रूव होगा। एंड डेट्स इट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर देना गाइस, एंड प्रैक्टिस कीप प्रैक्टिसिंग।
गेम प्ले अगर आपको इम्प्रूव करना है तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, आपको हर चीज़ ट्राई आउट करना पड़ेगा। और माइंड में से ये चीज़ सब फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ निकाल देना कि किसी को नहीं मार सकते अपन, किसी से बेटर नहीं है बोल के। हर बंदा हर किसी को मार सकता है, ये गेम ही है। उसके पास भी सेम उतना ही एचपी होता है जितना आपके पास एचपी होता है। उसके पास गन्स होंगे, वो भी आपको गन्स वही सेम गन मिले, कोई पावरफुल एक्स्ट्रा गन नहीं मिलती है उसको। आपको सिर्फ गेम में काम माइंड के साथ खेलना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ से बंदा आ सकता है, आपको उसका मूव गेस करना पड़ेगा। जो बंदा अपने एनिमी का मूव गेस कर लेता है वो आप आराम से उसको एनिमी को नॉक कर सकते हो, किल कर सकते हो। एंड साउंड, साउंड इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन द गेम ब्रो। तो आगे आपको दूसरी वीडियोस में मिलता रहूँगा। वॉइस ओवर कैसा लगा वो भी बताना, एंड फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया है, अगर कोई डिस्टरबेंस आ रहा है सराउंडिंग में तो उसी के लिए सॉरी। ओके बाय बाय। まだ終わんねえぞ。
about to win. The red team doesn't have a lot of time. And the blue team is in the lead. Target down! Expired! Blue team victory!